नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। 227 मई की एक और बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं कि जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि आवेदकों की संख्या बढ़ने से मेरिट भी जाएगी ऊपर। इतने हुए आवेदन, OMR खाली पर मिले 3 अंक कोट, 3 साल से भर्ती की आस में अभ्यर्थी 29,334 कम भर्ती का मामला, प्राप्तांक पूर्णांक अन्य में संशोधन की मांग। दोस्तों, आज इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो हम आपके सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ कि फर्स्ट में कि एक महिला का आरोप है कि महिला का आरोप क्या है कि 19,000 शिक्षक भर्ती में है, उसका आरोप है कि महिला अभ्यर्थी अपने मन से तय किए अंक याचिका खारिज। OMR प्रीति लगाकर हाई कोर्ट में मूल्यांकन दी चुनौती। देखिए, भर्ती में मामले की आज होगी सुनवाई। क्या देखिए, 19,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में एक महिला अभ्यर्थी कम अंक मिलने का दावा हाई कोर्ट में टिक नहीं सका। महिला अभ्यर्थी में महज 3 अंक मिले थे और दावा किया था कि इम्तिहान में उसे 90 अंक मिलने चाहिए। देखिए दोस्तों, वो पहले ही डिक्लेयर कर दे रही है कि उसको 90 अंक मिलना चाहिए। देखो कितने बड़े इसमें फ्रॉड चल रही है कि न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने यह याचिका कहते हुए खारिज कर दी कि उसे मन से अंक तय किए, इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। असल में भर्ती परीक्षा के मूल्यांकन में हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली परीक्षा संस्था अभ्यर्थी के रिकॉर्ड खंगालने पर उन्हें उल्टी तस्वीर मिली कि महिला अभ्यर्थी का जो OMR सीट मिली थी वह OMR सीट बिल्कुल ही खाली थी और महिला ने दावा किया था कि मुझे 90 अंक मिलने चाहिए थे, तो इसलिए उस महिला अभ्यर्थी की यह याचिका खारिज कर दी गई है। और दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि भर्ती मामले में आज होगी सुनवाई कि 19,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर कुंजी को लेकर आज भी सुनवाई है कि बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 19,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँच गया। एक या दो से पीछे, जब मतलब एक या दो से अंक पीछे रह चुके हैं अभ्यर्थी ने, उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। और बात आ चले कि कोर्ट की शरण ली है अमृत कुमार की 706, अन्य व मनोज कुमार यादव की 36, अंशुल कुमार 29 व अन्य जितने भी हैं इनकी सबकी सुनवाई 27 मई बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रकाश पाड़िया की बैठक में होगी। याचिका की सुनवाई के लिए लगाई गई याचिका का कहना है कि कई प्रश्नों का उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट से में स्थान नहीं दिया गया। वहीं गलत उत्तर देने वाले चयनित का दावा है कि गलत याचिका ने गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई है, साथ ही घोषित रिजल्ट भी रद्द किया जाए। दोस्तों, यहाँ तक कि रिजल्ट जो घोषित है उसको रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, वहीं आपको बता चले नया स्टाफ का कि जो प्राथमिक पूर्णांक गलती के संशोधन, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान हो चुका है, अब अभ्यर्थी जो उनके प्राथमिक और मूल्यांकन के जो पूर्णांक की जो गलती थी उसके संशोधन की मांग कर रहे हैं। देखिए, प्राप्तांक क्या है कि किसी अभ्यर्थी ने जहाँ प्राप्तांक भरने थे वहाँ पर पूर्णांक भर दिया और जहाँ पूर्णांक भरने थे वहाँ पर प्राप्तांक भर दिया, उसी के अनुसार देखा यह जा रहा है कि मेरिट बहुत हाई जाने की संभावना है, क्योंकि जब पूर्णांक हाई जाएगा उसमें अगर सपोज करो कि किसी के 10वीं क्लास में 600 में से 300 आ रहे तो उल्टा कर दिया तो पूर्णांक 300 बन गया और प्राप्तांक उसके 600 बन गए, तो उसी के गलती को जो छात्र हैं संशोधन करने की उसमें मांग कर रहे हैं। और अब तक आप देख पा रहे हैं कि 135,000 अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया है शिक्षक भर्ती में। मंगलवार की शाम को 1.35 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भर दिया है। यह संख्या लिखित परीक्षा में सफल हुई 1.46 लाख अभ्यर्थियों में से है, इसमें 11,000 से कम है, 11,000 अभ्यर्थी कम है। हालांकि शासन ने आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन और बढ़ा दी है। दोस्तों, इसमें देखना है कि जो आवेदन करने की आपकी तिथि थी वो 27 तारीख थी, अब वो 28 तारीख तक हुई, 26 तारीख थी,
अब उसको 28 तारीख तक भी आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। दोस्तों ये थी न्यूज जो हम आपके सामने लेकर आए, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह।